आप रोना बंद करो। हम लोग गाड़ी में जाएंगे, आपके फेवरेट गाने सुनेंगे, चॉकलेट खाएंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। अब जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है। हाँ काकू काकी माँ कोई कुछ भी नहीं बोल सकेगा। ये सुखी बच्ची असंभव भी कुछ नहीं बोल सकेगी क्योंकि अनी मुझे लेके जाएगा। ठीक है ना। हाँ। तैयार होते हैं। अच्छे से तैयार कर दो मुझे। तैयार करो। हाँ? और अब फाइनली अपू दीदी खुश है कि वो भी जा रही है शादी में। और अब लाल अपने काकू को बोलता है कि उन्हें भी अब निकलना चाहिए क्योंकि लेट हो रही है। और अब सब तैयार हैं, पर दादी पूछती है कि छोटौन कहाँ रह गया। तो लाल बताता है कि वो पंडाल के पास में है क्योंकि डेकोरेटर आया हुआ है और अन्नी की गाड़ी भी तो सजानी है, तो उसी से बात कर रहा होगा छोटौन। पर अब तनुजा बोल पड़ती है कि छोटौन का क्या काम है वहाँ सृष्टि के घर पर, बहुत कम लोग ही तो जा रहे हैं और कजन्स के बच्चे भी तो हैं। तो अब दादी बीच में रोकती है तनुजा को और बोलती है, मेरी बहू नहीं, मेरा कहने का मतलब ये था कि इतनी महंगी गिफ्ट्स लेके जा रहे हो, इतना सामान है, कोई बड़ा रहेगा साथ में तो अच्छा रहेगा ना। हाँ हाँ माँ ठीक कह रही है, पर माँ लाल संभाल लेगा। जी ठम्मी मैं हूँ ना। हाँ हाँ माँ लाल है ना, लाल संभाल लेगा। वैसे भी सृष्टि के वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आए होंगे, फिर से वही सवाल पूछेंगे कि अनी के काका क्या करते हैं, क्या काम है, क्या नहीं है, फिर वही सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। घर की शादी में भीड़ में कहीं खो जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन इस तरह उनके साथ जाना, माँ उन्हें रहने देते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। माँ छोटौन हमारे परिवार का हिस्सा है, मेरे काका है, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हनी मैंने जो भी कहा सच ही तो बोला है बेटा। मैं जानती हूँ तुम्हें तुम्हारे काका से बहुत प्यार है, लेकिन इसे सच झूठ में तो नहीं बदल जाएगा ना। और अब अपने सबसे प्यारे काका के बारे में ऐसी बातें सुनकर अनी को बुरा तो लगता है, पर अब क्या बोले अनी, आखिर सबकी जैसी मर्जी। और अब वही सृष्टि के घर पर महफिल सजी है और मेहमानों की आगमन है और विनायक सबसे मिलता है। और अब फाइनली लाल और विपाशा को देख सबसे आगे जाते हैं सृष्टि और विनायक स्वागत करने, और थोड़ी नाराजगी भी जताते हैं। कितना लेट कर दिया आपने, कहाँ रह गए थे? अरे सृष्टि आंटी आप तो जानते ही है ना, शादी के घर में 100 काम होते हैं। अनी का गाय होलू दूध के बाद ये तो है, ये भी तो सेट करना होता है, और थोड़ा बहुत नाचना गाना वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना, इसी में टाइम लग गया। हाँ हाँ वो तो यहाँ भी होगा। अर्शी विपाशा। और अब सृष्टि बुलाती है अर्शी को, और ये तो अब हाई प्रोफाइल मामला जो है, और अर्शी आती है अपनी सबसे प्यारी भाभी से मिलने। अब आइए आप इतनी लेट। देवरानी जी सब्र कीजिए, देखिए आपके लिए हल्दी लाए हैं, अगर हम नहीं आते ना तो आपका गाय होलू तो रह जाता। अगर आपको ये हल्दी चाहिए तो हमें भी स्पेशल अटेंशन चाहिए। और इस तरह खट्टी मीठी बातों के बीच अब लाल बोलता है कि अर्शी का डांस देखे बगैर तो वो लोग उसे हल्दी नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो आप लोग मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी? किसी की मजाल जो तुम्हें धमकी दे? ए मिस्टर मेरे सामने अर्शी को तुम धमकी नहीं दे सकते। ये लो। और पता है अनी को हमने इतनी हल्दी लगाई कि पीला भूत बना दिया, तुम पहचान ही नहीं पाओगी, तुम्हें भी लगाएंगे। वैसे झनक नहीं दिख रही। आंटी आई है ना, वो नीचे गाड़ी में से सामान निकाल रही है। अच्छा अब तक आई क्यों नहीं, उसे तो आ जाना चाहिए था, पीछे पीछे तो आ रही थी। और पर क्या झनक को इस कदर देख किसी के भी मन में अब दया नहीं, जहाँ सभी उसे देख आज बहुत खुश है। मेड वाले कपड़े जो पहनाया गया है उसे शादी के मौके पर, आखिर क्यों फर्क नहीं पड़ता झनक को सृष्टि और अर्शी के व्यवहार से? क्या वो पूरी तरह से अपने आप में सिमट चुकी है? देखते रहिए आगे क्या होता है झनक के अपडेट्स में, यही कंप्लीट बॉलीवुड पर। झनक तुम क्या लेकर आई हो? जी बनारसी साड़ी और उसमें ज्वेलरी है, इसे ही पहन के आप शादी करेंगे। और हाँ अब यही रुकना, जाना मत। अर्शी जब रेडी होगी तो इसकी हेल्प करना, और वैसे भी शादी का घर है, बहुत सारे काम बाकी है,
यहाँ वहाँ सब देखना मैनेज करना कौन करेगा?